तमाम मेरे गार्डन फ्रेंड्स को वैगी समझ गार्डन में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इस वक्त आप मेरे गार्डन में रंग बिरंगे बाहर के खूबसूरत मल्टी कलर के फ्लावर्स देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना गर्मियों के मौसम में भी अपने गार्डन फ्रेंड्स के लिए हर तरह के समर फ्लावरिंग प्लांट्स और समर वेजिटेबल्स की टिप्स भी इंफॉर्मेशन शेयर करूं। तो उस हवाले से मेरे गार्डन फ्रेंड्स, मैंने कुछ जो अपने समर के फ्लावर्स की और वेजिटेबल्स की कुछ शॉपिंग की है और कुछ इसके इनके अलावा थोड़ी सी, जैसे आप देख रहे हैं सार में एक कंपोस्ट वगैरह भी है, कुछ प्लांटर्स भी हैं, ट्रेस वगैरह भी हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में जो जो मैंने इस आगे समर जो प्रेपरेशन है समर के हवाले से जो मैंने शॉपिंग की है उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना पसंद करूँगा मेरे गार्डन फ्रेंड्स, क्योंकि इस वक्त ये बाहर का मौसम है, मार्च का मौसम है, इस वक्त महीना शुरू है और मार्च का महीना है हर तरह के गर्मियों के फूलों के और वेजिटेबल सीड्स लगाने का बेहतरीन मौसम है। तो इस हवाले से मेरे गार्डन फ्रेंड्स, मैंने भी कुछ थोड़ी सी अपने फ्लावर्स की मैंने शॉपिंग की है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जीनिया है, ये जीनिया के ये फ्लावर्स हैं, ये मल्टी कलर के फ्लावर्स हैं, मैंने सीड्स लिए हुए हैं और ये रोशन सीड्स वाले हैं इसमें, और इनकी जो वेबसाइट है www.roshanseeds.com ये लिखा हुआ है, और सब्जी मंडी में इनकी दुकान है 99 सब्जी मंडी रामा इकबाल टाउन लाहौर। जो लाहौर में रहने वाले हैं सब्जी मंडी रामा इकबाल टाउन की जानते हो कि बाखूबी इनकी दुकान पे पहुंच सकते हैं। फेसबुक पे भी इनका पेज है, रोशन सेंटर के नाम से है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है मेरे गार्डन फ्रेंड्स, जैसे आप देख रही हैं आप इन्हें फ़ोन करके भी कर सकते हैं। ये मैंने जीनिया के जो सीड्स लिए हैं आगे गर्मियों के लिए, ये पोचोला का है सीड्स है, ये भी मल्टी कलर के हैं, F1 के हैं। ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स पैकिंग ये खुद करते हैं, लेकिन ये बाहर के जापान के सीड्स हैं, मैंने बकायदा उनका पैकेट बड़ा पैकेट देखा था। उसके बाद ये विनका के मल्टी कलर के सीड्स हैं, ये भी मैंने रोशन सीड्स, ये तीनों ही पैकेट मैंने रोशन सीड्स से ये फ्लावरिंग के सीड्स लिए हुए। और वेजिटेबल में इस दफ़ा मेरे गार्डन फ्रेंड्स मैंने ये वाइट है, ये आप देख रहे हैं वाइट बैंगन के हैं, ये सीड्स इस दफ़ा मैं लगाऊंगा और अपने गार्डन फ्रेंड्स को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। थोड़ा सा जो फ्लेवर है वो भी टेस्ट आउट करना चाहिए। दूसरे लोकल बैंगन हैं, जामनी बैंगन वो होते हैं, वो तो हम खाते रहते हैं। तो ये तो कुछ थोड़े से सीड्स मैंने लिए थे, ये इनका कार्ड है रोशन सीड रोशन सेंटर है जरे मरकज से, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर चौधरी मोहम्मद अजीज अजीम साहब होते हैं, तो उनसे लिए थे मैंने। सारी की सारी शॉपिंग है सारी की सारी वहाँ से की हुई है। और मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये कुछ जो प्लांटर्स मैंने लिए हुए थे, क्योंकि आगे गर्मियों के मौसम में मेरे जो रूफ टॉप पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो मैंने कहा कुछ थोड़े से ये जो ट्रे है इसकी भी शॉपिंग करें। और इस दफ़ा जो पोचोला का और जीनिया विनका के जो प्लांट्स हैं इनमें लगाए जाएँ, नीचे टेरेस में रखे जाएँ, नीचे में सैन होता है, वहाँ धूप का दौरान काफ़ी ड्यूरेशन कम होता है। और ये 3 फुट का मेरे गार्डन फ्रेंड ये जो ट्रे है मैंने ये लिया हुआ है, इसमें ड्रेनेज होल भी इसमें बने हुए हैं, साथ इसमें नीचे रखने वाला है, आप कमरे में भी रख सकते हैं, साइड पे नीचे टेरेस में भी जहाँ कहीं रखना चाह सकते हैं। ये 3 फुट का ये लिया हुआ है, 2 फुट का मैंने ये लिया हुआ है, और ये जो 5 किलो का ये पैकेट है, ये जो ग्रीन है ये लिखा हुआ प्लांट ग्रीन है, ये प्लांट फर्ट वालों की है, ये मेन बुलेवार्ड 5 किलो का ये पैकेट है, ये मैंने पैकेट लिया हुआ है वर्मी कम्पोस्ट का है। ये NPK मैंने गार्डन फ्रेंड्स से ली हुई है, इसकी जो रेशो है 8:28 और 18 की रेशो है। ये थोड़ी सी अपनी जो समर की है आगे फूलों के हवाले से और वेजिटेबल के हवाले से थोड़ी सी शॉपिंग थी, अपने गार्डन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पसंद करता था, ताकि साल हर साल आपके घर में रंग बिरंगे फूल आपके घर में गर्मियों सर्दियों में खिलते नजर आए। और उम्मीद करते हैं कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। बाय आसिम नवाज फ्रॉम वैगी सोमसिंगार्डन।